morning, friends. देखो हमारी गाड़ी का एसी भी अपने आप चल गया। और देखो फ्रेंड्स, अब 3 महीने बाद आ रहे हैं इधर इस रास्ते पे। चैनल, कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आई हूँ, बहुत 3 महीने के बाद आज हम निकले हैं तो सामान सिलाने के लिए। तो ये यहाँ पे एक पुल है, इसके नीचे एक नदी बह रही है साइड में, और तो ये गए हैं अभी सिलाने के लिए। तो वहाँ क्योंकि हमने नवरात्रों का जो थे और सिलाने का सामान था वो अभी तक नहीं सिलाया था, सब सामान रखे थे तो बस वो ही सिला रहे हैं। और उसके बाद हमें जाना है कहीं पर, तो इस वजह से, और मास्क साथ में हमारे अभी साथ ही साथ चलेगा, हमारे मास्क का पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। और बस ऐसे ही थोड़ा सा गला भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, मैंने ठंडा पानी पी लिया था और ठंडा दूध वगैरह पी लिया था उसकी वजह से। और आज धूप बहुत तेज है, आज गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा। तो चलिए, वो आज बहुत टाइम बाद आज हम निकले हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है एकदम से। रोड पे तो सब लोग चलने लगे हैं, सब ट्रक व्रक गाड़ियां सब दौड़ने लगी हैं, और देखते हैं कैसा रहता है। लॉकडाउन खुला है तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और बस उसके बाद हम यहाँ आ चुके थे घर पे, और ये बस मैं बर्तन करने लगी थी, बर्तन पड़े हुए थे सुबह, बस नाश्ता करके हम फटाफट चले गए थे। और उसके बाद बच्चों ने नाश्ता किया था तो उन्होंने बर्तन बर्तन सब ऐसे छोड़े हुए थे, तो उन्हें सबको मैं साफ़ करने लगी थी आते के साथ ही, हैंड वॉश वगैरह मुँह वो अच्छे से धुल के, क्योंकि मैं तो गाड़ी से निकली नहीं, थोड़ा सा ही बस रुके कहीं गए थे उसके वापस आ गए थे, कहीं ऐसा ऐसा मेरा जाना हुआ नहीं था, यही उतरे थे जहाँ भी उतरे थे। तो बस उसके बाद बर्तन करने के बाद फिर उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी, सारा घर पूरा इन्होंने फैला रखा है बच्चों ने, पूरे घर को मैं संगवाने लग जाती हूँ, सारा इधर उधर को कपड़े वपड़े सब फैले हुए हैं। और ये कार्तिक मुझसे बातें कर रहा है, मैं साथ साथ उससे बातों का जवाब भी दे रही हूँ, कुछ ना कुछ पूछता रहता है मेरे से, तो बस इस तरह से। और बस ये मैं घर वर को संगवा लूँगी, उसके बाद में मैं मैक्रोनी बना लूँगी, क्योंकि समझ नहीं आता क्या बनाऊँ फटाफट से, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, सुबह ही नाश्ता किया था हमने। तो बस उसके बाद मैं मैक्रोनी बना लूँगी, मैक्रोनी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, और जब आपको
अगर आपको देखने में अच्छी लगे, आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं दोबारा से आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैक्रोनी मैं कैसे बनाती हूँ। और शायद मैंने एक दो बार पहले की भी है आप लोगों के साथ में, अगर नहीं भी की है तो प्लीज़ आप लोग बताना कमेंट करके, तो मैं कर दूँगी। तो बस इस तरह से मैं कर लेती हूँ। सर से इतना सुन आ रहा है कि मतलब गाड़ी में आप बैठो तो मतलब सैनिटाइजर पास में, मतलब धूप में नहीं होना चाहिए गाड़ी को वरना आग लग जाएगी। उसको चाबी को मत वॉश करो सैनिटाइजर से क्योंकि पेट्रोल था। और देखो बाइक में भी आग लगी तो सैनिटाइजर से इतना रिस्की हो रहा है बहुत ज्यादा। हम लोग गए थे तो सैनिटाइजर लेके गए थे साथ में, लेकिन जहां भी उतरे सैनिटाइजर को साथ ही रखा है अपने, लेके जाना भी जरूरी था क्योंकि हैंड वॉश करने थे अपने, हैंड सैनिटाइज करने थे तो इस वजह से। और मेरा गला पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा है, बैठा बैठा सब पता नहीं आए हैं। और उसके बाद में अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी क्या बनाना है। थक गई हूँ एकदम से, आगे थकावट हो गई है, कहीं से भी जाते हैं ना तो थकावट हो जाती है। और इतने दिन बाद गए हैं तो और ज्यादा हो गए। देखो काकी ने बनाया, क्या बनाया? इसमें एक मैगजीन बनेगी अभी, एक सक्सेस ऑफ मैगजीन। मैंने कहा था अपनी मैगजीन को एक नाम देना जिनकी स्कूल में बोला है बनाने के लिए। अच्छा है, ठीक है, मतलब उसको स्टॉप कर रही थी वो वीडियो बंद कर दी है ऐसी लड़की ने, ऐसे कर दिया है काफी है। तो चलिए मैं करती हूँ कुछ, देखती सोचती हूँ क्या बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट हो गई एकदम से। और क्योंकि इतना टाइम से हम लोग घर में थे और बाहर नहीं गए थे, घर में थे बाहर नहीं गए थे तो वो चीज का फर्क पड़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा अजीब हो रहा है। और मेरे बालों में बहुत सारा तेल डला हुआ है, बहुत सारा तेल, इसलिए मैंने चूड़ा और बना लिया है। वैसे भी गर्मी में बना लेती हूँ लेकिन तेल कुछ ज्यादा ही मेरे में डल चुका है क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी ना, अभी वॉश नहीं किए, कल करूंगी वॉश में बालों को। अब देखते हैं कैसे होते हैं बाल, मैंने एक डेढ़ साल में मेहंदी लगाई है कैसा होता है। स्मूथिंग कराई थी पर पता नहीं वो उसने पार्लर वाले ने मैंने किया था कि मेहंदी मत लगाना, और इसलिए मैंने नहीं लगाया। एक डेढ़ साल से नहीं लगाया, दो साल हो गए पूरे मेहंदी लगाए हुए, और अब लगाया। इसमें मैंने मेहंदी में ही सब कुछ डाल लिया था, मैंने कॉफी पाउडर, पत्ती पाउडर और उसमें नींबू, एग वगैरह सब कुछ उसके अंदर डाल लिया था, और दही डाल ली थी ताकि बाल सही हो। और मैंने आज लिपस्टिक भी लगा ली है क्योंकि जो मेरे हॉट पे एक मच्छर ने काटे तब मोटा हो चुका था, वो अब जाके ठीक हुआ है जब से नहीं लगाई थी मैंने। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, सुहावना हो रहा है एकदम से, बारिश हो गई थी रात भी बहुत बारिश हुई है। और कार्तिक ने तो दिमाग चला रखा, बैंड बजा रखी मेरे कार्तिक ने, मतलब इसको जाने की रट लगी हुई है कि चलो चलो मामा के यहाँ, चलो चलो चलो। डैडी ने तो बात करा, घंटे सोने दो उसके बाद देखते हैं। और डैडी रेडी नहीं हो रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनको अभी जो कंपनी का काम है वो मिला हुआ है। और इस बार मैं ऐसा हूँ कि मैं जा भी नहीं सकती उनको छोड़ के क्योंकि खाना पीना की टेंशन हो जाती है, उनको कुछ नहीं आता बनाना तो वो ये फिर खाएंगे क्या, इसलिए तो मैं कह रही चलो एक दिन के चलते हैं और होके आ जाते हैं हम लोग। क्योंकि जाना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि मेरी चाची की ना पोता हुआ था तो इस लॉकडाउन से पहले उनको फंक्शन करना था और वो हुआ भी था, तो मैं जा ही नहीं पाई देखने के लिए। उसके कपड़े भी ला के रखे हुए हैं, वो देने हैं तो ये हो गया इसलिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं भी जाती मैं, वो देके आने मुझे। तो मैंने कहा चलो देके आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा ये होता ना कि फिर बहुत टाइम हो गया है, उसको हुए मार्च में हुआ था और जून आ गया है, तो इस वजह से अब देखते हैं कब जाना होता है, कब जाएंगे देखने, जब कब रेडी होते हैं ये एक तो ये जल्दी से रेडी नहीं होते कहीं जाने के लिए। तो मेरा गला मुझे खुद को लग रहा है कि मेरा बैठ गया है, आप लोग भी बताना कमेंट करके कि मेरा गला बैठा हो रहा है ना, क्योंकि मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया, नींबू पानी पिया, और मैंने क्या बोलते हैं वो
ठंडाई दूध, ठंडाई वाला दूध पिया। 2-3 दिन से तो दूध ले ही नहीं रही इसी वजह से, क्योंकि मुझे ठंडा मौसम भी हो गया ना, एकदम से चेंज हो गया। और मैं रात को मैं नहा भी लेती हूँ, ये भी हो रहा है मेरे को, बस जब तक नहाती नहीं हूँ ना चैन ही पड़ता है, तो रात को मैं नहा भी लेती हूँ, तो इस वजह से। तो चलिए अभी मैं चेंज करती हूँ, अभी फिलहाल मुझे अब ठीक हो रहा है, पर अभी जब तक कंफर्टेबल नहीं लगते ना चेंज नहीं कर ले, तो मैंने कपड़ों में चेंज करती हूँ और फिर मैं अपना काम करती हूँ। फिर मुझे दूध लेने भी जाना, फिर दूध का टाइम हो जाएगा, आप लोगों को पता है डेली जाती हूँ दूध लेने के लिए। तो बस चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। इतने मैक्रोनी बनाई है, मैक्रोनी बस भूख लग रही थी फटाफट से कि जल्दी जल्दी मैक्रोनी बन जाए, बस यही खा रहे हम लोग। और इनके लिए रोटी बनाई है, दाल रखी हुई थी तो रोटी बना दी, तो मैक्रोनी आप लोग भी खा लीजिए और शाम को देखते फिर क्या बनाती हुई, कुछ नहीं पता मुझे। तो चलिए फिर मिलती हूँ और मैं खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी लग रही है देखने में। और आइए, ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने, ये क्या शीट है क्या ये? अरे छेड़ो मत, हमारा कैम बिगड़ जाएगा। ये इतने सारे शॉपनर संभाल के रखते हैं, ये क्यों निकाला हुआ है तुम लोगों ने, क्यों निकाला हुआ है इनसे क्या है? लाइव टेलीकास्ट कर लो भैया को, लाइव टेलीकास्ट मिल लो भैया को, ये तो छुपता ही रहेगा बस। ये क्या है? अरे शॉपनर है, इरेजर्स है, इनसे क्या इनसे कैसे खेल रहे हो तुम लोग? एनी टाइम पास हैं? कैसे खेल रहे हो इनसे तुम लोग? देख लो क्या कर रखा है इन्होंने, ये शॉर्पनर रख रखे थे और ये सब निकाल डाले हैं इन्होंने, बहुत पहले से इकट्ठे ले लेते थे ना, तब अब तो इनके पैन यूज होने लगे, तो इस तरह से अब तो कम ही यूज होते हैं, अभी भी होते हैं। अच्छा बिगड़ा, अच्छा बिगड़ा है मेरे तो गला, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं सो गई थी आज। मेरा घुटना ऐसे काम करती है ये, तो मैं सो चुकी थी आज, मेरी थकावट इतनी हो गई थी बहुत ज्यादा आने के बाद में, और सो के मैं आज दूध लेने नहीं गई, यही गए आज दूध लेने के लिए। और बस मैंने चेंज तो कर ही लिया था, उसके बाद मैक्रोनी बनाई थी। हाँ मेरा VIP एस्कॉर्ट, क्या देख फालतू के काम करते रहेंगे, क्या क्या करते रहते हैं लोग। तो मैक्रोनी बनाई थी, वो खाई थी। कार्तिक क्या बोला मैंने, जल्दी कर। और बस ये लोग खेल रहे हैं अभी, पता नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता ना, कुछ भी मन नहीं करता करने को, तो वही चीज आज मेरे साथ हो रही है, मेरा कुछ भी काम करने को मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों अजीब सा आलस आ रहा है बहुत ज्यादा। मैं सोच चुकी ना सर, इतना भारी हो रहा था मेरा, बहुत सर भारी होता। फिर कार्तिक ने चाय बना के दी और बस चाय पी, और अभी बस किचन में गई हूँ मैं, बर्तन संगवा रही हूँ जो फैला पड़ा था किचन पूरा, और बर्तन जो टोकरे में पड़े थे तो उनको मैं लगाए हैं, क्योंकि जब सूख जाते उसके बाद ही मैं लगाती हूँ। और देखो ये सब बर्तन पड़े हुए, अभी इन्हें सबको साफ करना है मुझे, तो इन्हें भी साफ करती हूँ, बस यही थोड़ा बहुत जो है संगवाने का वो संगवा रही हूँ, और उसके बाद में फिर सोचते हैं क्या बनना है। तो ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाता है काम में, पता भी नहीं चलता है। और आज मूड थोड़ा सा अपसेट सा अजीब सा हो रहा है, होता है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वही चीज मेरे साथ हो रही है। तो आप लोग भी बताओ, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कभी कभी, कि खुशी होता है कि कभी नहीं करने का मन होता है, तो वो ही तो अजीब सा होता है ना, वही हो रहा है पता ही ना, तो किसी काम में मन लग रहा है ना, कोई खाना बनाने में मन लग रहा। एक तो पता क्या हो गया, जब से लॉकडाउन हुआ है तो 3 महीने हो गए, 3 महीने परमानेंट, तीनों टाइम
खाना बनाना, ब्रेकफास्ट सब कुछ रूटीन में मतलब हो रहा है, वो चीज करना, कभी भी मतलब एक मिनट का ये नहीं हुआ रेस्ट की नहीं बनाना भाई चलो, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि कभी कभी जब होता है मन नहीं होता था तो बाहर से कुछ मंगा लेते थे कि चल छोटा मन हुआ समोसे मंगा लिए, ये सब चीजें तो होता है ब्रेकफास्ट वगैरह में या वैसे। और अब कुछ नहीं कर सकते तो अब मैं थक चुकी हूँ बना बना के, पता नहीं ऐसा होता है मेरा खाना बनाने में मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मेरा मन नहीं करता और काम मुझसे करा लो, लेकिन जब कभी मन होता है बनाने के लिए तो मैं वो डांस करवा लो, डांस तो मेकअप करवा लो, सिंगिंग करवा लो, सिंगिंग करी मैंने गाने लिखा अच्छा। तो कभी कभी होता है कि हाँ जैसे होता है ना कि ये बनाना है तो मैं फटाफट से बनाने लग जाती हूँ, जब मन होता है, मन की बात होती है, मन के अकॉर्डिंग ही काम होते हैं, जब मन नहीं होता तो नहीं होता, जब मन होता तो मैं करने लगती हूँ सब कुछ। तो आज मैं सो के आगे मेरा शरीर इतना भारी हो रहा है ना, मेरा अभी भी भारी हो रहा है, और मैं कुछ अभी तक बैठी थी कुछ नहीं कर रही थी, बस चाय वाय पिया और कुछ नहीं किया उठने के बाद में। दोपहर में इन लोगों ने मैक्रोनी खाई थी और इनको मैंने रोटी बनाई थी, दाल रखी थी मूंग की तो उससे रोटी खाई थी उन्होंने, ये सोच चुके थे पहले ही, और ये सोच हम लोगों ने खा चुके थे, और जब ये उठे ये उठ गए और फिर हम सो गए ये रहा था। तो चलिए देखते हैं अब मैं क्या बनाती हूँ, देखो चलिए तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाकी आज पूरी एक्टिंग करी, यहाँ से तो बिल्कुल क्लियरिटी आती है क्योंकि सामने ट्यूबलाइट है ना, सीधी रोशनी पड़ती है तो ऐसे वीडियो सही बनती है, अगर मैं कहीं और होती हूँ तो अंधेरा अंधेरा सा लगता है उस चीज में ना, आप लोग भी बताना ऐसे लगता है ना। तो चलिए भाई, और हाँ आप लोग मेरी चैलेंज वाली वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मतलब आपको अच्छी लग रही है, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को प्यार देते रहे, और व्लॉग्स भी आप लोगों को अच्छे लगने लगे हैं, मैं देख रही हूँ व्लॉग्स में भी थोड़े बहुत सही कुछ से व्यूज बढ़े हैं, लग रहा है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो मुझे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, तो यही ये है कि बढ़ता रहे अपना, आप लोग ऐसे प्यार देते रहो और सपोर्ट कीजिए, और बस ऐसे ही ग्रो हो जाए मेरा चैनल, बस प्रेयर करना भगवान से, क्योंकि एक साथ सब लोग प्रेयर करेंगे तो जल्दी ग्रो हो जाता है, तो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको फल हमें भी मिल जाए। चलिए तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोग।